फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ये तस्वीरें पटना के एक हॉस्टल की है जहां छात्र सरकारी एग्जाम की तैयारी करते थे, लेकिन 25 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ कि ये छात्र डर के मारे यहां से भाग निकले। दरअसल 25 जनवरी की रात को जब ये छात्र अपने अपने कमरों में पढ़ रहे थे, अपना काम कर रहे थे, तभी होती है पुलिस की एंट्री और चलने लगती है बेरहम लाठियां। बता दें कि इस वक्त बिहार ही नहीं पूरे देश के कई हिस्सों में छात्र आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर आक्रोश में हैं। पिछले दिनों हिंसक तस्वीरें भी देखने को मिली जहां छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए ट्रेनों में आग लगाई, ट्रेनें रोकी। लेकिन ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं वो पुलिस की छात्रों पर बर्बरता का एक नमूना है। ये वीडियो जिस शख्स ने रिकॉर्ड की है, जरा उनसे ही सुनते हैं कि आखिर 25 जनवरी की रात को ऐसा क्या हुआ कि छात्रों पर लाठियां बांधी गईं। मैं अपने घर के बालकनी में था जो कि मैं देख रहा था कि सामने से पुलिस लोग बेखौफ एकदम आ रहे हैं और 10-15 से ऊपर की संख्या में तादाद में आके एकाएक जहाँ जगह जगह घुसने लगे। मैं भी छुप के मुझे एक भी गाली सुनने को मिला। मैं फिर भी देखा कि ये तो गैर कानूनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे जो भी जितने भी साथी पढ़ने आए हैं पटना में, उन्होंने अपने माता पिता का आस लेके आए हैं और वो लोग एकाएक जाके रूम खुलवाया पुलिस रूम खुलवा के और फिर उन्हें बेवजह लाठी चार्ज करना शुरू कर दिए। वो लोग भी कंफ्यूज हो गए, ऐसा क्या मैंने कर दिया कि ताकि मेरे ऊपर बेवजह लाठी चार्ज हो रहा है। वो लोग बोले सर क्या हुआ, कुछ भी बताया नहीं जा रहा। दो तीन पुलिसकर्मी मिल के लगातार लाठियों की बरसात करने लगे और वो कि सामने ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से, उसी रूम है, वही रूम है जिसमें नए स्टूडेंट आए हैं उसको बेवजह मारा गया। और यहाँ इसी जगह पे 15 से ऊपर पुलिस अंदर घुसे हैं इसी रास्ते से। ये वीडियो भी है, दिखाने की कोशिश करेंगे धीरे-धीरे कैमरा। हाँ, इसी में 15-20 के करीब में यहाँ पुलिस इधर से आए हैं और जो कि निकल के सबको पीट के निकले हैं बेवजह। सब दरवाजे पे फुटप्रिंट भी आपको मिलेंगे जहाँ तहाँ, मतलब बेवजह कईयों के तो छिटकिली टूट गए हैं दरवाजे के। कई दरवाजों पर ताले लगे हैं। एक बार हमें संख्या बताएंगे कि इस फिलहाल इस लॉज में अभी कितने छात्र रह रहे हैं मौजूदा समय में? वो तो पता है, कुछ तो चले गए, जैसे वहाँ भी फुटप्रिंट देखिए, वो सब पुलिसकर्मी के जूतों के हैं, वो बड़े बड़े बूट के दाग है वहाँ पे। दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई। अंदर में तो छात्र थे ही लेकिन वो तोड़ने की कोशिश की गई है। सब चले गए, कुछ तो डर से चले। डर से चल गया आदमी। तो जितने ताले लगे हैं ये सभी छात्र क्या डर की वजह से चले गए? के वजह से चला गया ऊपर घर से। उस दिन जो प्रदर्शन हो रहा था उस दिन आप लोग भी थे उस प्रदर्शन में शामिल या फिर दुकान पर थे? अच्छा, आप ही की दुकान है वो फोटो स्टेट। आप प्रदर्शन में थे? अंदर वाले रूम में। चलिए विक्रांत, आप हमें ऊपर दिखाइए कि कैसे किस कमरे में पुलिस वाले घुसे और वो उन छात्र से भी बात करेंगे जिनको पीटा गया है। यही वो तस्वीर है, इसी लॉज की वो तमाम तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और हम एक एक करके दिखाएंगे। ये आपको कमरा नजर आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने नहीं दरवाजा खोला। अच्छा। पुलिस के लाख कोशिशों के बाद इन्होंने अंदर में दो स्टूडेंट थे और नहीं खोला। बस यही सिचुएशन है, पुलिस ऐसे करके दरवाजा खोलने का कोशिश किया लेकिन ये स्टूडेंट अभी भी डरे हुए, ये दरवाजा नहीं खोलते हैं। कभी कभी तो बोलते हैं नहीं पुलिस हमको पहचान रखा है, मैं क्यों जाऊँ, कहीं पकड़ के फिर डाल देगा, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, बलिया का स्टूडेंट है। वो भी डरा हुआ है। फिर आगे वाला है वो तो 2-3 दिन पहले यहाँ आ रही थी, मैं किसी से आप ही से इंक्वायर कर रही थी, आप भी काफी डरे हुए थे, आपको लग रहा था पुलिस वाले आने वाले, इतना डर का माहौल है। चलिए विक्रांत, आप मुझे गाइड करिए। और अभी देखिए सब जगह आप फुटप्रिंट भी देख सकते हैं कितना खौफ तरीके से यहाँ ये सब जगह पे है। अभी भी अंदर में एक स्टूडेंट अंदर में, ये जो स्टूडेंट हैं आप आइए, इन्हीं की पिटाई हुई है, पुलिस ने इन्हीं को बहुत बेरहमी से पीटा है जैसा ये कह रहे हैं। क्या हुआ था उस दिन? हम बस मोबाइल को चार्ज में लगा रहे थे तो गेट पर जोर जोर से आवाज है, तो हम गेट खोले ना तो दो ऑफिसर आके हमको बेवजह मतलब मारने लगे। तो हम उनको बोले सर आप क्यों मार रहे, मतलब फिर भी वो लोग रुक नहीं, मतलब कि बिना कुछ मतलब कि कुछ हमको बोले नहीं, मार रहे मार रहे। बाद में बोले सर माँ को समझा के बोलते सर नहीं कुछ किए हैं, तो हमारे माँ को तुम्हारी माँ किस तरह गाली देके मारने लगे और मार के चले गए दूसरे रूम में। आप कहीं प्रदर्शन में नहीं थे, आप अपने कमरे में? रूम में थे जी मैम। आप किस क्लास में हैं आप बताएं? 11th में। 11th में है जी, पहले वाले कमरे में रहते हैं। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन क्या हुआ, प्रशासन आई, दरवाजा पीटने लगी, गाली गलौज कर रही है। मेरा कोई गलती है क्या? हम तो ना प्रदर्शन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं भाई, हम लोग चुपचाप अपना रूम पे हैं, प्रशासन आकर गाली गलौज दरवाजा पीट रही है। आपके पास वीडियो भी होगा, देख लीजिएगा। हम तो अंदर हैं, हमको क्या पता,
लेकिन प्रशासन दरवाजा पीट रहा है, गाली दे रहा है, कोई बर्दाश्त करेगा? हम लोग यहाँ पढ़ने आए कि गाली सुनने आए किसी का? जो प्रदर्शन हो रहा था वो क्या प्रदर्शन इतना उग्र हो गया था कि प्रशासन को इस तरीके से हर घर में घुसकर लोगों को, मतलब छात्रों को? देखिए प्रदर्शन जो भी कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हाँ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस लॉज का और इस हॉस्टल का छात्र कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है। सब कोई अपने अपने कमरे में है, सबका अपना अपना है, सब अपना पढ़ रहा है, कोई खाना बना रहा है, जो कुछ कर रहा है, लेकिन इस हॉस्टल का कोई लड़का नहीं था। प्रशासन घुस करके हम लोग को हताश की है। इन दरवाजों पर ताला लग गया है, चले गए ये छात्र? हाँ, डर के खाली कर दिया, सब फाड़ के फेंक दिए हैं छत पर, मेरा सारा बुक फाड़ दिए हैं। हम इतनी नाराजगी, कितनी नाराजगी है हम लोग महाराज, 18 से पढ़ रहे हैं, 18 से मात्र 2 एग्जाम दिए हैं, एगो SSGD का, रेलवे का है, उसके बाद से कोई एग्जाम नहीं हुआ हमारे साथ। कितना दिन पढ़ेंगे? और 2 लगेगा रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम देने के लिए। CBT 2 लाने का कोई मतलब नहीं, इनका एक ही मतलब है कि 2 और बढ़ाएं एग्जाम को। भर्ती चुनाव था 2019 में, तो भर्ती निकाले ग्रुप डी का, और फिर चुनाव ले जाएंगे 24 तक ले, तो ले जाएंगे अपना। आई 4 को जो दिए हैं कि कमेटी का रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं है, वो सिर्फ चुनाव को टालने हैं। UP जीत जाएंगे चाहे हार जाएंगे, पर हम बता रहे हैं वो हर हाल में हारेंगे। हम यहाँ 19 में वोट देने के लिए अपना 300 भाड़ा खर्चा करके गए हैं, अब हम उनको 30,000 भाड़ा खर्चा करके हराने के लिए जाना पड़ेगा तो जाएंगे। अब मोदी को कोई नहीं हरा। आप भी यूपी के हैं या यहाँ के? ना, हम बिहार के हैं, सिवान जिला से हैं। अच्छा। हम सब देखे हैं, हमारे रूम में कभी आज तक कुंडी नहीं लगाए थे, उसी दिन जाके मालिक से बोले कुंडी लगाओ, इतना डर है हमारे अंदर।